हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, तो एक्चुअली वो लीक हो चुका है और 10 क्वेश्चन ओनली आपको याद करने होंगे। और इंप्रूवमेंट एग्जाम 2019 में आने वाले क्वेश्चन है, रट लो यार, 85% पक्की ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमने 2018-2019 में जो हमने पता है पेपर लेकर आए थे 2018 के इंप्रूवमेंट में और 2019 के मेन एग्जाम में पेपर लेकर आए थे, तो बच्चों की बताए 70% प्लस बनी थी और 85% प्लस तक गई थी। जो बिल्कुल निल व्यक्ति थे, निल स्टूडेंट थे, उनकी 70% बनी थी। मुझे खुद उन्होंने कमेंट में बताया था और काफ़ी ने मुझे गिफ्ट भी प्रोवाइड किया था। मैं गिफ्ट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली भी मैं बाहर हूँ, जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो जिससे मुझे गिफ्ट भेजा था एक्चुअली, ठीक है, तो वो सब कुछ दिखाऊंगा, एक दिन वीडियो बनाऊंगा उसकी, ठीक है। लेकिन यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ बहुत शॉर्ट से। देखिए, एक बात याद रखना, जो मैंने पहले आपको 21 क्वेश्चन दिए थे, 21 क्वेश्चन किस किस ने याद कर लिए पहले वो बताओ। 21 क्वेश्चन वो याद हैं, वो देखते रहना, मैं बता रहा हूँ। और जो 10 क्वेश्चन मैंने जो बताए ना, इनको भी देख लेना, बस 21 क्वेश्चन तो वो आपको याद ही होंगे और 10 क्वेश्चन उन 21 क्वेश्चन में से हैं, क्योंकि आपको केवल पास करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन। और लेकिन सबसे अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको 21 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, लेकिन बात ये है कि आपको अच्छी परसेंटेज 10 ही क्वेश्चन से मिल जाएगी, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यदि ये 10 क्वेश्चन याद करके जाते हैं। तो बीएससी सेकंड ईयर वालों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लीक हो चुका है, मैं आपसे वादा करता हूँ। प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अब जल्दी से जल्दी डालूं वो सबसे पहले आपको पहुंचे। यार, 78,000 सब्सक्राइबर थे केवल 6 महीने के अंदर मैंने कर दिए, तो प्लीज़ यार आपको 50,000 सब्सक्राइबर प्लस कराना होगा। प्लीज़ यार, इसमें तो करा ही दो यार, केवल इंप्रूवमेंट एग्जाम 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचना चाहिए। 3,000 सब्सक्राइबर हो पाए हैं अभी तक, यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो यार शेयर वीडियो करो फटाफट, ठीक है, शेयर कर दो यार फटाफट सभी दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लीक हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 3D संगमरमर शैली एंड कॉपर परिवार के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो यार, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, सिंपली देखना है, यहाँ बोल रहा है कि 3D संगमरमर शैली, 3D संगमरमर शैली के 4D 5D होता है ना, 4D 5D ये श्रेणी है, 3D संगमरमर शैली, इनको देख के जाना। और कॉपर परिवार के तत्व जानते हैं, CU AG AU, ये कॉपर परिवार के तत्व हैं, इनकी विवेचना कर देना, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को देख लेना, पॉइंट बन गया, क्वेश्चन बन गया। देख, 3D संगमरमर शैली, 4D संगमरमर और 5D जो वो होता है, उनकी विवेचना करना होता है ना, तो ये आपको लगभग बता रहा हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बीएससी सेकंड ईयर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना एक क्वेश्चन को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं और कीटेन यौगिक क्या होते हैं, कीलेट कंपाउंड कहते हैं, कीलेट कंपाउंड या डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व को देख लेना और कीटेन यौगिक को देख लेना, बस ये 2 क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं ये देख लेना और एंटीनाइट तत्व, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसकी PDF हमने बना दी है, देख लो यार, इसकी वीडियो बना के डाल दी है, लेंथेनाइट संकुचन और एंटीनाइट तत्वों की, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन जो तत्व होते हैं, लेंथेनाइट वो भी कैसे याद करते हैं, एंटीनाइट तत्व वो कैसे याद करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से यार वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक में जाइए 2000 और बीएससी सेकंड ईयर की सारी केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कैसे याद करेंगे, ये भी बना दिया, रिडक्स विभव, मैंने ये भी आपको सारी की सारी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो को देख लो। ऑब्जेक्टिव टाइप याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप 5 से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, 5 से 6 नंबर के, और 3 से 4 नंबर आपको लेना है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में करना है, तो PDF को डाउनलोड कर लो, PDF नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के तीनों पेपर के PDF देख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है, वो डाउनलोड कर लो फटाक से, आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेरको और रिडॉक्स विभव क्या होता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, BVD थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, और अम्ल क्षार की आहरी नियम द्वारा आपको सिद्ध करना है, आहरी नियम क्या, ये भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बना दिया है, बिल्कुल वीडियो बना दी, वो वीडियो देख लो। उसके बाद में मैं बता दूँ सामान्यता, देखिए समाव्यता का है, प्रकाशीय समाव्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, प्रकाशीय समाव्यता क्या होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो, इसको देख को जाइए, समाव्यता क्या होते हैं, समाव्यता कितने प्रकार की होती है ये देख लेना, समय और प्रकाशीय समाव्यता को देख लेना। उसके बाद में 7वें क्वेश्चन को देखो सभी प्यारे दोस्तों, 7वें क्वेश्चन को देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे क्वेश्चनों को याद करके जाना है, सातवें क्वेश्चन को देखिए, लक्स फोल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, लक्स फोल्ड कॉन्सेप्ट देख के जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको भी देख के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नर के उपसंयोजन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है, सभी प्यारे दोस्तों को ये क्वेश्चन देख के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नमा, जिसे हम EAN, देखिए
ठीक है, समझ में आ रहा है ईएनए नंबर क्या होता है। ईएनए नंबर को देख लेना, ईएनए नंबर को देख लेना, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। देखिए ईएनए नंबर ये देख लेना कैसे निकाला जाता है, और आईयूपीएसी के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पढ़ेगा आपको 2 से 3 नंबर का, ये देख लेना। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये क्वेश्चन देख के जाना। बस 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन 10 क्वेश्चन को रट लो, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है, सच में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और देख लेना मैं जैसे ही पेपर आएगा ना तो सबसे पहले आपको लिख सबसे पहले बताऊंगा कि देखिए वो क्वेश्चन आया नहीं आया, देखिए क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और जो 21 क्वेश्चन मैंने देखे ना, 21 क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन को देख लो, 1900 क्वेश्चन को देख लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ को जरूर देख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ जो डाउनलोड रखी है मैंने नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाउनलोड कर लो, 3 से 4 नंबर वहाँ मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मुझे कोई दिक्कत है ना तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ हमें कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली कॉल मत कीजिए, केवल कॉल, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ ओके, क्योंकि दिन भर में यदि 1000 स्टूडेंट की कॉल आए तो कम है, क्योंकि यदि 3000 सब्सक्राइबर हैं तो आप ही 3000 सब्सक्राइबर वो स्टूडेंटों के जो इंप्रूवमेंट एग्जाम में देने वाले हैं यार, वो मुझसे एक एक मिनट बात करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे 24 घंटे में कितने होते हैं बताओ पूरे, तो भी मैं उनसे बात नहीं कर सकता, ठीक है, एक एक मिनट बात करूँगा तो की बात करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और कॉल मत कीजिए मुझे, व्हाट्सएप पे आप जो भी लिखना है लिख दीजिए, मैं उसका मैसेज का जरूर रिप्लाई करता हूँ, लगभग मैं 2 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। और कोई दिक्कत है मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 85% दिला के रहूँगा यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तब, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन याद करके जाइए, बाकी सब छोड़ दो यार, कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया सब वो याद कर लो। और आज मैं वो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कॉपी में कैसा लिखना चाहिए, कल की कॉपी देखिए कल का कैसा लिखना चाहिए कॉपी में वो बताऊंगा। और लास्ट एक वीडियो बने रही है लास्ट दोनों बार दोस्तों।